अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद। आज हमने बनाया मोस्ट कपकेक्स। आप देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने मजेदार हैं। ये देखें, अंदर से चॉकलेट भरी हुई है। दूसरा भी तोड़ो। इसका रोजा नहीं तो ये खा के दिखाएगा। मैं खा के दिखाता हूँ। वो मजा सुपर सॉफ्ट भाई, सुपर डुपर ये कपकेक बनते हैं। चलो आओ हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो आज बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर मोइस्ट सॉफ्ट मफिन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये बच्चों ने बनाया है। आप यकीन करेंगे, इतनी आसान रेसिपी, ये लोग थर्ड टाइम बना रहे थे। आज इन्होंने कहा मम्मा प्लीज़ वीडियो रिकॉर्ड करें, हम लोगों ने बनाना है। और इन्हें जस्ट मैंने रेसिपी कार्ड ही बताया था कि ये रेसिपी कार्ड है, तो अब आप लोग चीज़ें निकालो। ये चीज़ें भी उन्होंने खुद निकाली और रखते गए हैं। मेन वीडियो बनाने का मकसद ये, एक तो बहुत ऑथेंटिक आपको रेसिपी दूंगी कि इतने मोइस्ट इतने मोइस्ट इतने मोइस्ट बनते हैं कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। दो अंडों से तकरीबन जो है ना ये 16 कपकेक्स बन जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल साइज के बनाएंगे ना आप, तो ये इजीली जो है ना 24 कपकेक्स 20 कपकेक्स तो बन ही जाते हैं इसे। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े हमने खुद लाइनिंग बनाई थी, तो इसलिए ये जो है ना हम लोगों ने काफी बड़े बड़े बनाए हैं। सबसे पहले जो है ना चीज़ों की मेजरिंग करनी है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम मेजर कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारे वेट इन्ग्रीडियंट्स होंगे उनको। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को बाद में मेजर किया बच्चों ने। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमारे पास है मिल्क है जो कि हाफ कप, और ग्राम्स में भी आपको साथ साथ जो है वो दिखा रही हूँ, तो आप लोगों ने ग्राम्स में रेसिपी रिटर्न में लिख लेनी है, ठीक है। सो ये जो मेजरिंग वाला 250 ml वाले कप का सेट होता है ना, ये वो वाला सेट है, उसमें से हाफ कप हमने लिया है, तो ये बन गया 112 ग्राम तक, ठीक है। ओके, तो ये हमने ले लिया है मिल्क जो हम नॉर्मल घर का ले सकते हैं, डब्बे वाला जो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑयल, ये भी हमारे पास है हाफ कप, 250 ml वाले कप में से जो हाफ कप होता है वही हाफ कप है। ग्राम्स में आपको अभी नजर आ जाएगा कितने ग्राम्स है। अच्छा, ऑयल आप अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे तो कभी भी केक्स, टी केक्स, पाउंड केक, पाउंड केक वगैरह कुछ भी जो आप लोग बना रहे होते हो ना, ऑयल बेस्ड चीजें, वो कभी हार्ड नहीं होती है। ये 70 ग्राम हो गया, 70 ग्राम हमारे पास ऑयल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर दही। सो बच्चों ने दही भी मेजर कर ली थी, तो दही हमारे पास है 3/4 कप हमारे पास दही होगी। और ग्राम्स में मैं आपको दिखा देती हूँ ग्राम्स में कितनी होगी। सो यहाँ पर है 166 या 170 या 160 तक ही इनफ है, थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, 160 ग्राम तक इनफ होती है। एक बाउल लिया है, नीचे घी लिया है। अब उन्हें बच्चों ने क्या है, दो अंडे ऐड कर दिए। अंडे जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर के होने चाहिए, ज्यादा ठंडे वगैरह नहीं होने चाहिए। अच्छे से अंडों को फेंट लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बीटर मशीन वगैरह की कोई रेसिपी नहीं। आप लोग बिल्कुल से इस रेसिपी को ट्राई करके जो है ना आप लोग चॉकलेट केक भी बना सकते हैं, बहुत मोइस्ट बनता है, बहुत मोइस्ट बनता है। सो यहाँ पर जो है ना आप इसमें ऐड कर दिया बच्चों ने यहाँ पर मिल्क, हाफ कप मिल्क था, ठीक है, वो ऐड कर दिया। और फिर अच्छे से मिक्स कर देना है, जस्ट आपने आधा आधा मिनट ना बस हर चीज को मिक्स करना है। अंडों को आपने 1 से 1.5 मिनट तक हैंड मिक्स से बीट करना है। उसके बाद सब चीजों को जो हम तीनों चीजें ऐड करेंगे ना उसको अपने आधा आधा मिनट बस बीट मिक्स करते जाना है। और ये 3-4 दिन भी पड़ा रहेगा ना, बाहर भी शेल्फ पे पड़ा रहेगा, ये खराब नहीं होगा। आप लोग जो लो टेम्परेचर की कूलिंग में रखोगे ना इसको, फ्रिज में, तो ये टाइम जार में डाल के रखोगे तो बिल्कुल भी ये तो 15 दिन खराब नहीं होता है। तो उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, और ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है ना वो हम दही ऐड कर देंगे। और सब चीज़ों को जो है ना वो आधा आधा मिनट जो है ना हम लोगों ने मिक्स करते जाना है। अच्छा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है ना इसे मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से बच्चे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दही चला गया। अच्छा, अगर दही हुआ आप लोगों का खट्टा, तो इसकी रेसिपी में जो है ना आपको हल्की हल्की सी ना खटास खटास ही नजर आएगी, मतलब ऐसा जायका अजीब सा आएगा। तो दही बहुत मैटर करती है कि आपने अच्छी मतलब दही में ज़्यादा पानी ना हो, और सेकेंड जो है ना वो खट्टा ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप लोग इसकी जगह लेमन एसेंस, इसकी जगह चॉकलेट एसेंस आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पर बच्चों ने ऐड कर दिया है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और अगेन अच्छे से मिक्स कर दिया कुछ सेकेंड के लिए। हम लोगों ने अच्छे तरीके से सब चीजों को जो है ना वो मिक्स कर लेना है,
और ये देखें बच्चे कितने आराम से कितने मजे से चैनल से मिक्स कर रहे हैं। अब चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जब तक वो अच्छे से मिक्स हो रहा है, तकरीबन आपने जो है ना 5 मिनट तक टोटल जो है ना अंडों को बीट करना है हर चीज के साथ। तो यहाँ पर आधा आधा मिनट लगाने के बाद 2 मिनट बच गए थे, तो वो अब जो है ना वो अच्छे से उसको मिक्स कर रहा है। अब ये हमारे पास है मैदा। मैदा हमारे पास होगा 1 कप प्लस 1/4 कप ले लें, और ग्राम्स में होगा तकरीबन 240 ग्राम। ठीक है, ग्राम्स में भी रेसिपी आ रही है, कप्स में मैं साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो होते हैं ना बच्चियाँ वो कप से पूछ रही होती है, तो मैं साथ साथ कप से बताती हूँ। और जो स्केल है इस पे आप लोग देखते जाएं, 240 ग्राम मैदा हमने ले लिया। ठीक है, तो जब इन बच्चों ने पहले स्टार्ट में बनाया तो उन्होंने कप की मेजरिंग ही की थी, ग्राम्स की नहीं की थी, सेकेंड टाइम ग्राम्स की रेसिपी की थी। तो अब जो है ना मैं साथ साथ कप्स की आप लोगों को बताने के लिए कप्स के अंदर डाल रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और साथ कप्स की बता रही हूँ। ठीक है, तो ये मैदा हमारे पास 1 कप प्लस 1/4 कप था। उसके बाद हमारे पास कोको पाउडर जो कि हमारे पास 2/3 कप होगा, और ये ग्राम्स में हमारे पास तकरीबन 60 ग्राम, ठीक है 16 ग्राम तक हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास, अच्छा आप लोग लाइट कलर का कोको पाउडर यूज करोगे तो कलर लाइट आ जाएगा, इसका डार्क कोको पाउडर यूज करोगे तो कलर डार्क आ जाएगा। ठीक है, मैं बेक हाउस वालों का यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो है ना मैंने ये ऐड कर दिया है और ये बन गया 60 ग्राम तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1½ टीस्पून, ये थोड़ा सा बड़ा चम्मच है तो इसलिए मैंने भरकर जो है उसने एक ही डाल दिया। तो तकरीबन टीस्पून लोगे ना आप लोग, तो 1½ टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो है ना वो भी आपने किसी अच्छी कंपनी का यूज करना है, खुला बेकिंग सोडा आपने यूज नहीं करना। यहाँ पर 2 पिंच जो है ना हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, उसने इतना सारा ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसको निकाला, तुमने इतना सारा ऐड कर दिया इसके अंदर, तो मतलब 2 चुटकी बहुत होता है, फिर मैंने इसको निकाला जितना था। सो यहाँ पर जो है ना अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर जो है ना अंडे वाले बैटर में शुगर ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम दानेदार चीनी का ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीनी जाएगी 200 ग्राम तक, कप में होगा 250 ml वाला 1 कप। ठीक है, कप की मेजरिंग में होगा 1 कप और ग्राम्स में होगा 200 ग्राम तक दानेदार चीनी होगी। ठीक है, और इसे हमने फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो ड्राई इनियर्स है उन्हें बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, और जब ऐड करना है तो छानते हुए ऐड करना है। ये चीजें जरूरी होती हैं, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं, तभी कभी कभी जो होती है ना चीजें डेंस हो जाती हैं, राइज नहीं होती, हार्ड हो जाती हैं, क्रैकी हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े से केक्स में होल आ जाते हैं, मतलब अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चे साथ साथ चीजें भी समेट रहे थे, और यहाँ पर जो है ना आप एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहा है, दूसरा वेट इंग्रेडिएंट्स को बीट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से ये दोनों काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो बच्चों को अभी से ही अगर आप प्रैक्टिस करवाएंगे इस एज में, बजाय मोबाइल देने के आप लोग कोई और एक्टिविटी करने के, या वो लोग उधम मचा रहे हैं, खप डाल रहे हैं, या तंग कर रहे हैं, उससे बजाय आप लोग अपने साथ रखें, बच्चों का फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्किल का किसी भी स्किल की तरह आपके पास होना बहुत जरूरी है आज के टाइम के लिए। सो बच्चों को अपने साथ एक्टिविटी में रखें, और माशाल्लाह ये ब्राउनीज बना लेते हैं, कपकेक्स बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, सूखी रोटी बना लेते हैं, अंडा बना लेते हैं, प्याज वाला जो अंडा होता है, और मसाला वगैरह तो काफी हद तक पता है, तो चाट वगैरह मतलब हर चीज में मैंने इनको साथ साथ रखा हुआ है कि आप लोग साथ साथ करो, आप लोगों को पता हो। सो अब मैं इनको ज्यादातर जो है ना कहती हूँ कि नहीं आप खुद करो, मेजरिंग करो, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगे मेजर कैसे करना है, चीज कैसे करनी है, छानना कैसे है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन लेके छन्नी से छान लेंगे, और अभी मैंने इसे छानना बताया कि एक साइड पे हाथ को स्ट्रेट रखते हुए आप छानोगे इस तरह से, तो वो बहुत ईजिली जो है ना वो हैंडल हो जाएगा आपसे। सो अब जो दूसरा छोटा बच्चा है उसको भी मैंने साथ साथ बोला कि अब जो रह गया वो आप भी करो। इससे क्या होता है, एक तो बच्चों को जो भी आप उसको बच्चों की बस एक्टिविटी के लिए जो उनको अच्छी चीजें लगती है ना, वो कहते हैं हम ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, वो आप उनको करने के लिए दें। सो यहाँ पर ये फोल्ड करा था, मैंने बोला फोल्ड हो रहा है, उसने कहा नहीं, फिर मैंने स्पैचुला हटा दिया, मैं कहा आप हैंड विक्स से करो। हैंड विक्स से क्या होता है, अच्छा ये कोई इतना नहीं है कि ये बैठ जाएगा या ओवर बीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है 1-2 बार। तो जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर मिक्स नहीं करना, उसके बाद जिसको मिक्स करना होगा उसको कहेंगे ओवर मिक्स। ठीक है, सो दोनों ने जो है बेटर बैटर रेडी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत खुश थे, बहुत मजे के बनते हैं। अब मैंने बोला था कि कोई भी ऑर्डर वर्क आएगा तो आप लोगों ने बनाने हैं, तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो कपकेक्स तो बनाए, ब्राउनीज तो बनाए, तो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, या आप जो अपग्रोइंग बच्चे होते हैं, इनमें अगर आप अभी अभी से ही आपके साथ आप लोग सिखाना शुरू कर देना तो सारी उम्र उनको याद रहती है वो चीज़, और प्रैक्टिस होती रहती है। सो अभी जो थे ये छोटे छोटे अगर कपकेक्स बनाने थे तो 20 से ऊपर
बन जा रहे थे, लेकिन था कि नहीं हमें बड़े बड़े कपकेक्स लेने हैं। तो छोटे का रोजा नहीं था, उसने कहा नहीं मैं तो, मैंने ये कपकेक्स खाने हैं, वो अंदर फिलिंग करता है चॉकलेट की। सो अभी जो है ना, मैं दोनों को ये लाइनिंग लगाना, ये वाली भी बताइए कि बटर पेपर की लाइनिंग कैसे लगानी है। आपने दो देखा किस तरीके से लगाए थे, और सेकंड मैंने इनको ये भी बताया है कि कितनी मेजरिंग, कितने कितने आपने इसके अंदर फिल करने हैं। सो फिल तो उन्होंने बिल्कुल अपने लिहाज से, जो मैंने बताया था उनको कि बहुत ज्यादा फिल नहीं करने, तो उतने ही किए थे। लेकिन क्या होता है ना कि जो बच गया था बैटर, अब दोबारा से बेकिंग के लिए फिर थोड़े से अलग रखना है। मैंने कहा चलो इसी को फिल कर देती हूँ, और साथ में ऐड कर रहे हैं यहाँ पर चॉकलेट चिप। तो अच्छा, जो मफिन्स का होता है ना, वो थोड़े से जो है ना, वो बैटर इनका थिक होता है, जैसे ब्राउनी की तरह होता है थोड़ा सा बैटर, लेकिन ना ये सुपर मोइस्ट होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को इसी तरह रखती हूँ। और जो दूसरे मफिन्स होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा हार्ड से होते हैं, मैं वो भी बनाना सिखा दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर तकरीबन 180 पे हम लोगों ने इसे 25 मिनट के लिए जो है ना बेक किया था। सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन थी, ऊपर वाली रॉड ऑन नहीं की थी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। और ये चॉकलेट चिप जो हमने अंदर ऐड की थी ना, अच्छा चॉकलेट चिप जो ऊपर रहती है ना, वो इसलिए रहती है कि आपका बैटर हार्ड होगा ना, या बटर से बना होगा, या हार्ड बैटर होगा ना, तो फिर आपकी चॉकलेट चिप ऊपर रह सकती है, अदरवाइज वो अंदर इसी तरह चली जाती है। सो आई होप ये आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे जरूर से फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। सो अभी मैं जो है बच्चे इसे आपको दिखा रहे हैं खोलकर भी, कि कितने मॉइस्ट हैं। आप तोड़कर दिखाएंगे ना तो आप यकीन करें, आप कहेंगे बहुत बहुत जबरदस्त है, इसे आपने जरूर से ट्राई करना है। ना इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर बिल आता है, ना किसी और चीज का, मतलब सुपर आसान, यहाँ तक के बच्चे बना सकते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।